भी आएगा सुनामी सुनामी इधर आया था ओ डिस्ट्रॉय सुनामी आया था सब डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि यहाँ पे जमीन बहुत ऊपर ही है भाई मात्रा के बीच पे और इधर ही जय सूर्या का घर है वो सामने है अच्छा भाई साहब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है गुड मॉर्निंग दोस्तों बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फिलहाल हम हैं श्रीलंका के मिरीचा में और ये बहुत खूबसूरत जगह थी जहाँ पे हम रुके थे दो लोग $12 में यानी कि आपका हो गया 400 रुपये के आसपास अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम यहाँ से जाएंगे मातारा और मातारा से फिर जाएंगे ओके हाँ अभी हम जाएंगे उधर वो जयसूर्या के घर पे जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम इसके सामने रुके थे कारगिल्स सुपर मॉल के सामने ये वाली जगह पे AIA और ये फर्स्ट फ्लोर पे रूम था तो अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे सनत जयसूर्या के घर पे तो सनत जयसूर्या का घर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मात्रा गांव है वहाँ पे है तो वो शायद डिस्ट्रिक्ट है ऐसा कुछ है तो हम चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि सनत जयसूर्या का घर कैसा है और कहाँ पे रहते हैं घर मिलता है नहीं मिलता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे बताने की हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं कुछ आइडिया नहीं ये वाली बसें हैं जो यहाँ पे आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने को मिल जाती है अभी बस स्टैंड पे पहुंचे नहीं वहाँ पे हम लोग कांच में दिख रहे देखो ओके दोस्तों हम पहुंच गए एला के बस डिपो पे इसी बस में हम लोग आए थे और ये बस स्टैंड इस तरह से लाइन से बने होते हैं बीच में बस खड़ी रहती है पूरा चलने का गैलरी होता है ऐसे और अभी हम जा रहे हैं इस तरफ अरे कोई बात नहीं ओके भाई फिलहाल हम लोग है मात्रा बस स्टैंड के बाहर ये देखो इधर बस स्टैंड है और इधर से हमने अंकल जी से बात किया रिक्शा लेकर के जा रहे सनत जयसूर्या का घर देखने के लिए तो अंकल जी हमको ले जाएंगे 1 किलोमीटर दूर है 150 रुपीस आने जाने का तो देखो बाहर का कुछ आउट से नजारा है अंकल जी को थोड़ा थोड़ा हिंदी भी आता थोड़ा थोड़ा हाँ आपका नाम अदरीश ओके तो हम चलते हैं आमिर खान श्रीलंका आर्मी हाँ ये श्रीलंकन आर्मी रिटायर्ड है अंकल जी ओके तो चलते हैं सनत जयसूर्या अभी कहाँ रहते हैं इधर ही रहते हैं ओके आ गया मजा चलो दो साल ओके अच्छा वाह तो दोस्तों फाइनली अब हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे इस गली के अंदर जयसूर्या का घर है जो इन अंकल जी को पता है तो हमें लेके जा रहे हैं वहाँ पे और आपको जल्दी से दिखाते हैं सनत जयसूर्या का घर ये काले वाला गेट एक्चुअली सनत जयसूर्या का घर था लेकिन हमें कंफ्यूजन था और प्रॉपर पता नहीं था इसलिए हम सीधा सीधा आगे निकल गए और आगे जा करके फिर से वापस यहाँ पे आए थे हम लोग तो अभी आप वापस आके दिखा दें मेहनत से घर दिखा रहे हैं देखो और ये सनत जयसूर्या का घर जो ट्री दिख रहा है ओके
होम टाउन है, होम टाउन ये है। ओके यस, कोई है तो मिल लेते हैं थोड़ा। ओके हाँ है तो सही, कपड़े सूख रहे। तो भाई फिलहाल हम लोग सनत जयसूर्य के घर पे पहुंच चुके हैं, ये इनका घर है। अभी वो शायद कोलंबो रहते होंगे, लेकिन उनके घर का दरवाजा ये है, अंदर कपड़े सूख रहे देख लीजिए आप, और ट्री है, काफ़ी बड़ा घर है ये। पीछे की तरफ घर है शायद, इधर नहीं दिख रहा। अंकल जी दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिस होम, आगे एक और गेट है शायद वो वाला, इधर जाके ये देखो। यस यस हाँ ये होम है जय सूर्य का। तो वही श्रीलंका में मातारा सिटी में हम आ चुके श्रीलंका के, सनत जयसूर्य उनके घर पे आ चुके। देखो इधर इस तरफ घर है पूरा, इनके वहाँ पे कुर्सी है, कोई है नहीं। तो क्रिकेट है? क्रिकेट हाँ क्रिकेट, यस यस हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इधर घर है, लेकिन अभी शायद जयसूर्य श्रीलंका के कोलंबो में रहते हैं, इधर कोई रहता नहीं है। घर काफ़ी बड़ा है, इधर पूरा घर है, और इस तरफ पूरा ये लॉन एरिया है, गार्डन एरिया है, और ये समुंदर है। देखो घर के बाहर ही समुंदर है, तो आपको मैं समुंदर दिखाता हूँ। कोई है नहीं, नहीं तो मैं बुलाता, लेकिन थोड़ा उधर समुंदर की तरफ जाके देखते हैं। और ये 51 नंबर बीच हेवन विला के बाजू वाला घर है कोलंबो। आ जाओ अंकल, उधर आ जाओ। दादाजी हमारे बड़े फैन बन गए, और बेचारे 150 रुपया यानी कि 30-40 रुपये में हमको घर दिखाना गया। अभी ये आसपास की घर ही कुछ ऐसी, समुंदर यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ए सनत जयसूर्य होम, दिस होम नो सनत जयसूर्य। ओके आओ, 2 मिनट घूम के आते हैं। उधर आप चल रहे हो, उधर रिक्शा इधर रख दो। ये इधर सनत जयसूर्य का होम है, इधर क्या है महानायक सुनामी इधर आया था। ओ डिस्ट्रॉय, सुनामी आया था सब डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जमीन बहुत ऊपर ही है भाई मात्रा के बीच पे, और इधर ही जयसूर्य का घर है वो सामने है। ये वाला जो क्या है विद्यालय स्कूल है, इसके बगल में उनका घर है, वो सामने बोर्ड लगा है, और इधर बीच है। देखो भाई लोग नहा रहे है ना, मज़ेदार जबरदस्त। इधर से वो सब लोकल लोग है, फॉरेनर नहीं है। वो ब्रिज अभी भी टूटा हुआ है। वाह ये लोकल लोग कीचड़ से खेल रहे हैं। यहाँ की सिटी पूरी वंडरफुल है भाई, बिल्कुल साफ सफाई एकदम नीट एंड क्लीन, और हर चीज़ ज़बरदस्त है। मतलब कहीं भी गंदगी फेंका हो, कचरा हो, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, एकदम ज़बरदस्त साफ सफाई काम सिस्टम से हो रहा है पूरा। पुलिस अपना काम कर रही है, सफाई वाले अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई रोड क्रॉस करेगा तो वो गाड़ी फटाक से पहले से ही रोक देगा, और जो लाइन खींचा ना रोड पर उसी लाइन के हिसाब से ही चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बिना लाइन के चलेगा, ऐसा नहीं है, लाइन के ऊपर ही गाड़ी चलेगी, उससे आगे पीछे नहीं चलेगी। तो ये है कुछ मात्रा का माजरा, और यहाँ पे बसें चलती हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी अंकल जी से बात करते हैं फिर से। हाँ अब चलते हैं मात्रा का जयसूर्य स्टेडियम में लेकर के, चलो अंकल जी आपको पूरा मात्रा दिखा देगा। आपका बस स्टैंड वहाँ पे जहाँ पे उतरे थे वहाँ पे। ओ दिस वन इज जयसूर्य स्टेडियम। ओके
ओके ओके ओके गो इनसाइड स्टेडियम ओके स्टॉप हियर ओके ओके दिस साइड ओके भाई फिलहाल जयसूर्य स्टेडियम है लेकिन उस साइड चलते हैं हाँ गो गो या ये भाई बस स्टैंड है देख लीजिए यहाँ पे यही बसें चलती है जबरदस्त बसें हैं इंडिया से इंपोर्ट करते हैं दोस्तों श्रीलंका में आपको देख करके लगेगा कि यहाँ पे लोगों के लिए पैसा जरूरी नहीं है लेकिन सिस्टम जरूरी है यहाँ पे रिक्शा वालों को देख लीजिए आप कोई भी रिक्शा लाइन के बाहर कोई नहीं खड़ा है ना कोई पुलिस वाला है लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से सिस्टम को मेंटेन करते हैं जय सूर्या स्टेडियम वाह ओके फाइनली हमको स्टेडियम मिल गया सनत जयसूर्या स्टेडियम देख लीजिए भाई यहाँ पे सनत जयसूर्या स्टेडियम मातारा म्युनिसिपैलिटी ने लिखा हुआ है लेकिन स्टेडियम एक और भी है दूसरी जगह पे वहाँ पे मैच होता है और यहाँ पे स्टेडियम देखो हम चल के आपको दिखाते हैं स्टेडियम के पास में एक टावर बना हुआ है और ये सामने बैठने का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इधर ही बस स्टैंड है और देखिए भाई यहाँ पे लोग लोकल लोग मैच खेलते होंगे बाकी तो यहाँ पे सिंहली भाषा में लिखा हुआ है कुछ पता नहीं चलता लेकिन यहाँ पे सनत जयसूर्या जरूर लिखा है देखो आपको अंदर चल के दिखाते हैं ये देखो इधर कोई रोक टोक नहीं है पब्लिक इधर खड़ी है इधर स्टेडियम है पानी है ग्रीन फील्ड है पूरा एकदम अच्छे से सनत जयसूर्या स्टेडियम इधर लिखा पूरा पढ़ के सुनाते हैं आपको इधर लिखा देखो सनत जयसूर्या स्टेडियम कंस्ट्रक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ हेयर एक्सीलेंस चंद्रिका बंद्रा नायक के कुमार थंग द डोमेस्टिक सोशलिस्ट पब्लिक ऑफ श्रीलंका अंडर द 220 लाख वॉज डिक्लेयर ऑन मंगलासुरम 27 नवंबर 2001 को ओके ये है सनत जयसूर्या स्टेडियम यार आम पब्लिक ऐसा ही घूम सकती है मौज कर सकती है मज़े कर सकते हैं यार समेजिंग ये सिटी है ये स्टैंड है मज़ा आ गया ना ये भी पूरा पोर्टुगीज टाइम का ऐसा बना हुआ है इसके चारों ओर देख लीजिए दीवार उधर गेट बना हुआ है सब जगह पे ऐसा ही सिस्टम है नॉर्मली बस कोई दिक्कत नहीं आराम से श्रीलंका का सिस्टम बहुत सिंपल है भाई चलो हाँ अच्छा भाई साहब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है साउथ कोरिया गोल साउथ कोरिया ने बनाया अच्छा ओके तो यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है एयरपोर्ट कोलंबो रत्नाल तो वहाँ से टीम बस से यहाँ पे आती है एयरपोर्ट मत्तल अच्छा मत्तल में एयरपोर्ट है इधर नजदीक में एयरपोर्ट नहीं है तो वहाँ से टीम बस से यहाँ पे आती है और होटल में रुकती है और यहाँ पे मैच खेला जाता है मात्रा में ऑलरेडी दूसरा एक और स्टेडियम है तो ये जयसूर्या का स्टेडियम है तो अंकल हमने काफ़ी अच्छा गाइड किया और मज़ा आ गया इधर घूमने में पूरा घुमा के दिखा दिया ओके टेम्पल गो टू एला 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 नोरा एला तो बस वेयर बस इनसाइड बस डिपो ओके 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 तो अभी यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और दूसरी जगह जाएंगे इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं मिलेंगे एक और नए वीडियोज में मज़ा आ गया श्रीलंका के मात्रा में यहाँ के लोग बहुत भरपूर ओके दादा को अब गुड बाय कहते हैं इनको थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ही दिया है तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा देने की कोशिश की लेकिन नहीं ले रहे बाय बाय नाइस टू मीट यू अभी हम चलते हैं बस पे और बस स्टैंड से बस पकड़ते हैं हम यहाँ से 3 घंटे का सफ़र करके एला जाएंगे तो वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक मात्रा से एला में कैसे जा सकते हैं वो बस कैसी है कौन सी बस नंबर यहाँ पे एसी बस तो नहीं है भाई आपको नॉर्मल बस में ही जाना पड़ेगा लेकिन बस आपको ज़रूर मिल जाएगी यहाँ पे ये SLT मोबाइल की ऑफिस है शायद बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं ये रहा आपका सनत जयसूर्या बस स्टैंड स्टेडियम और हम चलते हैं इसके अंदर गर्मी देखो लोगों को कितनी लग रही है छतरी लगा के घूम रहे हैं
ये रहा मात्रा बस स्टैंड। झंडा यहाँ पे पता नहीं किस पार्टी का लगा या किसी का लगा, नो आइडिया। देखो भाई ये भाई साहब हमको